नाथद्वारा तहसील के रापचा में मिराज स्टेडियम में मंगलवार आज खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। दोपहर करीब 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल तथा जिला प्रशासन की तरफ से खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि युवा मामलात खेल मंत्री अशोक चांदना, विशिष्ट अतिथि सहकारिता मंत्री और जिले प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, मिराज ग्रुप के सीएमडी मदनलाल पालीवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुजर उपस्थित थे। साथ ही राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल एवं नाथद्वारा एसडीएम, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि और महाकुंभ में उमड़े सैकड़ों लोग। जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे अन्य नेतागण, उपस्थित प्यारे बच्चों, नाथद्वारा नगर के भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं जिलाधीश नाथद्वारा खेल महाकुंभ का आगाज रस्साकसी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी खेलों के साथ हुआ उद्घाटन मैच रस्साकसी उद्घाटन मैच पुलिस थाना खमनोर वर्सेस नाथद्वारा टीम के बीच हुआ। रस्साकसी में जोर आजमाइश के दौरान रस्सा टूट गया, उसके बाद रस्से को चेंज किया गया, फिर सेकंड टाइम भी दूसरा रस्सा भी टूट गया। बहुत आभार निगम ने इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था हमको दी है और जो भी संस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग दिया है उनको भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मंच से सभी खिलाड़ियों की तरफ से राजस्थान सरकार को और आदरणीय खेल मंत्री को आभार कि खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 2% रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की है उनके लिए बहुत बहुत आभार और आदरणीय सीपी जोशी साहब की जो भावना है उनको 2 लाइनों में व्यक्त करना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो नहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो खेलों की आग अपने बंदे प्रज्वलित करें और अच्छी प्रतिस्पर्धा हो ऐसी प्रभु श्रीनाथ जी से मैं मांग रहा हूं। उद्घाटन मैच जो है वह रस्सा कसी का वैसे आपसे कि वो मैदान में उस व्यवस्था को बनाएं